रॉकी किसने बचाया रॉकी को। हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि KGF 3 की स्टार्टिंग कैसे होने वाली है और कैसे मेकर्स ने KGF 3 की एंडिंग में हमें कंफ्यूज किया। जहां एक तरफ KGF चैप्टर 3 का नया ड्राफ्ट ओपन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रमिका सेन रॉकी के उन 3 साल के फॉरेन क्राइम्स की रिपोर्ट देखने जा रही थी। लेकिन असल में ना, रॉकी के इन 3 साल के क्राइम्स उसने कभी किए ही नहीं थे। वो सारे क्राइम्स असल में सलार के किए हुए थे, जो उसने US, इंडोनेशिया और बाकी के 16 देशों में किए। लेकिन सलार रॉकी के लिए ही काम करता था, तो एट द एंड वो सारे क्राइम्स रॉकी के लिस्ट में ही जुड़ गए। KGF 3 की स्टोरी यहाँ से नहीं बल्कि वहीं से शुरू होगी जहाँ से छोड़ी गई थी, यानी समुद्र की गहराई से। और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि रॉकी ने समुद्र में सारा सोना सिर्फ इसलिए बहाया क्योंकि वो बस अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर रहा था। क्योंकि अधीरा के मरने के बाद रॉकी दिल्ली पहुँचने से पहले ही अपने लोगों को ये काम देकर गया था कि उसकी माँ की कब्र इंडियन ओशन में एग्जैक्ट उसी जगह पहुँचा दी जाए, बिल्कुल समुद्र तल पर, जहाँ चाह कर भी कोई ना जा सके। और उसने ये कैसे किया, तो उस सवाल के तार भी जुड़े हैं रॉकी के उन्हें 3 साल के क्राइम से, या कहें बिजनेस से। सलार जहां रॉकी के गोल्ड को सप्लाई करता था, वहां से उसने हाईटेक मशीनरी, वेपन्स और बड़े बड़े जहाज उठाए थे, जिसमें से कुछ उसके चॉपर्स थे, कुछ शिप्स थे, कुछ प्राइवेट जेट्स और 2 सबमरीन। इन्हीं में से एक सबमरीन तक पहले वो तबूत पहुंच गई और वहां से उसने समुद्र की सतह पर रख दिया। और एट द एंड रॉकी सारा सोना लेकर वहीं पहुंच गया और अपने वादे को पूरा करने के लिए उसने सारा सोना अपनी माँ को सौंप दिया। लेकिन कहीं ना उसका वादा अभी भी अधूरा था, क्योंकि पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करना अभी बाकी था। उसके लिए ना उसे पहले उन 16 देशों के सामने अपने आप को मरा हुआ साबित करना था, जिससे वो बिना किसी झंझट के इंडिया से बाहर भी जा सके और कोई उसके पीछे भी ना आए। इसलिए उसने खुद ही इंडियन नेवी के साथ US और इंडोनेशियन नेवी को एक ही फैक्स भेजा और वहाँ बुला लिया, क्योंकि उनके सामने अगर रॉकी खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा खतरा टल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रॉकी को वहां से बचाने के लिए कौन आने वाला है, क्योंकि उसकी पूरी KGF की सेना तो अब वहां से जा चुकी थी, जिनसे उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं था। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, रॉकी को वहां से बचाने आया था वो जिसको रॉकी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, सलार। जी हाँ, सलार ही था वो। बहुत पहले ही KGF छोड़ के जा चुका था सलार, और जिसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को कोई खबर भी नहीं थी। तो वो बिना किसी की नजरों में आए आसानी से रॉकी को बचा सकता था, और यही हुआ। समुद्र में डुबाने के बाद सलार उसकी सबमरीन लेकर वहां पहले से ही मौजूद था। ये वही सबमरीन थी जिससे उसने रॉकी की मां की कब्र को वहां रखा था। जहां एक तरफ सबका ध्यान समुद्र के ऊपर मौजूद रॉकी के शिप पर था, वहां समुद्र के अंदर मौजूद उस सबमरीन पर किसी का ध्यान नहीं था। इसी का फायदा उठाकर सलार उस सबमरीन से रॉकी को लेकर निकल गया। लेकिन रुको जरा, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। अभी तो रॉकी की असली स्टोरी शुरू होना बाकी है, जहां रॉकी सलार के साथ मिलकर पहली बार अपनी एक टीम बनाएगा और क्या क्या करेगा ये हमें देखना अभी बाकी है। बस आप लोगों को ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज को।